हेलो गाइस, आप लोगों का स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को हम प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट में मास सिलेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में BHU, MSc एंट्रेंस, ICAR, UP कैटेट आज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से हम बताएंगे कि मास सिलेक्शन किस प्रकार से हमारे फसलों के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में मास सिलेक्शन किस प्रकार से होता है और कितने वर्षों में ये इसके इससे वैरायटियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो सबसे पहले मास सिलेक्शन की डिफिनेशन के बारे में हम तुम्हें बताएं कि मास सिलेक्शन की डिफिनेशन क्या है। मास सिलेक्शन की डिफिनेशन है कि बेस पॉपुलेशन में समान फिनोटाइप वाले पौधों की अनुवांशिक ऊंचाई, बालों का आकार तथा दानों का रंग कि आकार के आदि के आधार पर छाड़ कर अलग करते हैं, जिनकी सिंगल प्लांट वेराइटी उगती हैं और अच्छी संततियों को मिलाकर न्यू वेराइटीज डेवलप की जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मास सिलेक्शन से ऐसी प्रजातियों को हम आधारित सिलेक्शन करते हैं, जिससे जिनका बालों का रंग, बीज का आकार सेम हो और उनकी छाड़ कर अलग करती हैं। उनकी क्या करते हैं, सिंगल प्लांट वेराइटीज को उगाते हैं और जिनकी संततियां मिलकर एक क्या है, न्यू प्रजातियां डेवलप हो जाती हैं, मतलब उत्पादित होते हैं। तो जो मास सिलेक्शन की क्रियाविधि है जिस किस प्रकार से होती है, तो मास सिलेक्शन में क्रियाविधि प्रथम वर्ष में हम क्या करते हैं, जैसा कि चित्र में हम दिखा रहे हैं कि मास सिलेक्शन में क्या होती है। सबसे पहले ऐसे बीजों को हम कलेक्ट करते हैं, 2 से 2000 पौधों बीजों को हम कलेक्ट करते हैं जिनका बीज का आकार, जीनोटाइप, लक्षण सेम हो और उनका फिर हम क्या कहते हैं, उगाते हैं। उगाने के बाद क्या, ऐसे बीज जिसमें 2 से 2000 समान लक्षण वाले पौधों का हम सिलेक्शन करते हैं और फिर सिलेक्शन किए गए बीजों को अलग अलग रखे रखते हैं। जब द्वितीय वर्ष आता है तो द्वितीय वर्ष में क्या था, सिंगल पादप संततियां उत्पन्न हो जाती है। एकल सिंगल पादप पद्धतियों में क्या, अच्छे बीजों को निकाल कर चयन करते हैं और निकृष्ट मतलब उत्कृष्ट बेकार पौधों को निकाल कर किनारे रख देते हैं, अलग कर देते हैं। तो इसमें प्रथम वर्ष में सिलेक्शन किए गए पौधों की एकल पादप संततियां होती हैं, विषयोजित मतलब खराब और निकृष्ट संततियों को उगाना, बची हुई संतति को पुंज में बांटना। क्या होते हैं, बची हुई संततियों को क्या, पुंज में बांटना। तृतीय वर्ष में हम क्या करते हैं, प्रारंभिक उपज परीक्षण बीज की प्रारंभिक उपज परीक्षण हेतु उगाना चाहिए। जब अच्छी उपज जो हमें क्या कहते हैं, द्वितीय वर्ष में एकल सिंगल पादप प्रक्रिया से जो बीज को हम बोते हैं उसमें क्या कहते हैं, चेक से जो अच्छे बीज हमें और पौधे प्राप्त होते हैं उनको क्या कलेक्ट मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद क्या होते हैं, फिर अच्छी होने पर बहुस्थापनी उपज परीक्षण हेतु क्या कहते हैं, उगाना होता है। और चतुर्थ से षष्टम वर्ष में क्या होता है, चतुर्थ से षष्टम वर्ष बहुस्थापनी उपज परीक्षण है। भारतीय फसल सुधार कार्यक्रम अखिल भारतीय प्रोजेक्ट के तहत ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट लिमिटेड प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं, जो 3 चरणों में पूरा होता है। प्रथम चरण में मूल्यांकन होता है और फिर इसमें क्या होता है, चतुर्थ से षष्टम चक्र पूरा हो गया है, विभेद में बहुस्थापनी उपज परीक्षण करते हैं, फिर उत्कृष्ट होने पर नई किस्मों में विमोचित करते हैं। और सप्तम वर्ष में हम क्या करेंगे कि बहुस्थापनी विकसित है नई किस्म का मल्टीप्लेक्शन करेंगे, क्या मल्टीप्लेक्शन मतलब बीज का गुणन करेंगे। अब जिससे 7 वर्षों के बाद हमारी एक न्यू वेराइटी उत्पन्न हो जाती है, जिससे किसानों को क्या होता, अधिक अच्छी वैरायटी उत्पन्न हो जाती है जिसकी प्रोडक्शन काफी अधिक होती है और क्वालिटी बढ़िया होती है। उसमें क्या, कीट इंसेक्ट और रोग डिसीज कम लगते हैं और उनकी क्या होती है, क्वालिटी और इम्प्रूव करने में किसानों को क्या होता है कि उनको
इनकी क्रियाविधि को समझने में आसानी होती है, इनको अपने आप भी उत्पादन कर सकते हैं। इसको जो नए कॉलेज स्थापित हो रहे हैं उनमें क्या बच्चों को सिखाया जाता है किस प्रकार से कि मल्टीप्लेक्सन इसमें मतलब क्लोनल सिलेक्शन या मास सिलेक्शन जितने भी सिलेक्शन है ये किस प्रकार से किए जाते हैं। अब इसको हम क्या इसके गुण और अवगुण देख लेते हैं, मतलब मेरिटेज और डिमेरिटेज। तो क्या है मेरिटेज और मास सिलेक्शन? मास सिलेक्शन के गुण क्या है? यह सबसे सरल विधि है। नंबर वन, यह सबसे सरल विधि है। नंबर टू, एक प्रजाति से शुद्ध वंशोक्रमों के मिश्रण होने के कारण अधिक अनुकूलित होती है। क्या होती? अधिक अनुकूलित होती है। एक यह सबसे सस्ती विधि है। इस विधि द्वारा विकसित किस्म में, इस विधि द्वारा विकसित किस्म में क्या होता है? अनुवांशिक विविधता वेरिएशन पाई जाती है। इसके डिमेरिटेज और मास सिलेक्शन, विकसित किस्मों के होमोजाइगस का अभाव होता है प्योर लाइन सिलेक्शन की अपेक्षा। मतलब मास सिलेक्शन जो होती है प्योर लाइन सिलेक्शन की अपेक्षा क्या होती है? कम उपयोगी होती है, कम उपयोगी होती है, उपयोगी होती है। और मास सिलेक्शन क्या होता है? यह प्रजनन पादप प्रजनन जो होता है इसके बारे में मास सिलेक्शन को अच्छी तरह से बच्चों को समझाता है कि मास सिलेक्शन होता क्या है। और यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने स्टेटस के माध्यम से सभी बच्चों को अवगत कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।